अजब है यूपी पुलिस और गजब का कहर ढाती है यूपी पुलिस की गोली। इसका ताज़ा ताज़ा उदाहरण देखना हो तो चले आइए यूपी के पुलिस थानों में। खुदाई जी साहब एक पल के लिए सोच में पड़ गए कि ये मैं कैसी पुलिस फोर्स की आगे बढ़कर अगुवाई कर रहा हूँ। फिर उसके बाद क्या करोगे? बोल चाहेंगे सर, किस्त लेंगे सर, किस्त लो, करो फोन मरा तो सुना आपने, जनाब के कंधे पर 3 स्टार है और सर जी फुल फॉर्म में भी हैं। कह रहे हैं जहाँ से गोली निकलती है वहीं से गोली डाल ट्रिगर को कुछ इसी अंदाज में दबाया जाता है। करो फोन मरा ऐसे मरेगा नहीं तुम। बैंक का तो ताला किस लिए था? बैंक का मेरे को तो मतलब फायर करने के लिए था, फायर करने के लिए चोट न लगे, मतलब ऐसा फायर जिससे चोट न लगे। हाय रे हमारी यूपी पुलिस, दिल में धक से धक्का ही लग गया। ये क्या देख और सुन लिया। आईजी साहब पूछते भी हैं कि ऐसे फायर करने से चोट नहीं लगती और कंधे पर 3 स्टार वाले जनाब टपाक से हाँ बोल देते हैं। हंसी हंसी खूब जोर से हंसी। आप मैं क्या खुद आईजी साहब के आसपास खड़ी पूरी पलटन ठहाके लगाकर हंसने लगती है। क्या करें बाबू, अब सोचा ना था कि बड़े साहब ऑन कैमरा टेस्ट ले लेंगे। अब टेस्ट लिया तो पोल तो खुलनी लाजमी थी। गोली निकलने वाली जगह गोली डालने वाले यूपी पुलिस का एक और धाकड़ अंदाज भी लगे हाथ दिखा देते हैं। कैमरा ऑन हुआ और एक साथ 6-6 इंस्पेक्टर साहब सरकारी पिस्टल के साथ ऐसे जूझे जैसे 4 साल के बच्चों के हाथ में न समझ आने वाला खिलौना दे दिया गया हो। समझ रहे हैं, यूपी में अगर इनके सामने लॉरेंस जैसा बड़ा गैंगस्टर आ जाए तो ये अपने पास रखी पिस्टल से यूं ही जूझते नजर आएंगे। फिर हम सब कहेंगे पुलिस की गिरफ्त से फरार हुआ बड़ा गुंडा। फिलहाल यूपी पुलिस का खस्ता हाल देख आईजी साहब ने जवानों को लगातार प्रैक्टिस करने के निर्देश दिए हैं, लेकिन सच वो भी समझ चुके हैं और बाकी जनता तो भोली है ही।